नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोहर नामदेव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा पेट में गैस बनती है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, गैस की समस्या आम समस्या हो गई है, ये लगभग सभी को होती है। तो दोस्तों, जिनके भी पेट में गैस बनती है या उनका पेट फूल जाता है या पेट में दर्द होता है और जो गैस की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसके लिए मैं आपको आज होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनसे गैस बिल्कुल ठीक हो जाएगी और गैस भी नहीं बनेगी। जिनके भी दोस्तों गैस बनती है उनका पेट फूल जाता है, पेट ऐसे लगता है कि पेट फट जाएगा और कभी कभी पेट में दर्द होने लग जाता है, पेट में भारीपन महसूस होता है, ऐसे लगता है पेट भारी है और खाना खाने के बाद किसी को तुरंत गैस बन जाती है, किसी को खाली पेट भी गैस बनती है। और दोस्तों, जब भी ये गैस बनती है तो किसी के सिर दर्द होने लगता है, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के पीछे कमर में दर्द होने लग जाता है और किसी के बीपी भी बढ़ जाती है और किसी के दोस्तों देखने को मिलता है जिसके भी गैस ज्यादा बनती है उनको ऐसे खट्टी डकारें आने लग जाती है। तो दोस्तों, गैस किन किन कारण से बनती है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि गैस की समस्या कैसे उत्पन्न होती है। गैस का पहला कारण है दोस्तों, अगर कोई खाना टाइम पे नहीं खाता हो तो गैस ज्यादा बनती है। अगर खाली पेट ज्यादा रहते हैं तो गैस की समस्या ज्यादा होती है। जैसे कि खाना सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, दिन में लंच कर लिया और शाम को डिनर कर लिया, तो इस हिसाब से अगर खाना खाते हैं खाली पेट नहीं रहते हैं तो उनको गैस बहुत कम बनती है या फिर बनती भी नहीं। और अगर ये जो तीन टाइम खाना खाते हैं अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है किसी वजह से या फिर किसी कारण से, अगर नहीं खा पाते हैं या लेट खाना खाते हैं तो उस वजह से अगर पेट खाली रहेगा तो उससे गैस ज्यादा बनती है। और दोस्तों, जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं तो उनको भी गैस ज्यादा बनती है। जो भी चाय कॉफी अगर ज्यादा लेते हैं, ज्यादा मात्रा में पीते हैं, तो उनको गैस की समस्या ज्यादा होती है और कभी कभी गैस के साथ एसिडिटी भी होने लग जाती है। गैस का ये भी एक कारण है दोस्तों, जो लोग ज्यादा स्पाइसी फूड या मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं या फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं या फिर ऑयली फूड ज्यादा लेते हैं या तली फली चीजें नमकीन वगैरह ज्यादा यूज में करते हैं, तो दोस्तों उनको भी गैस की समस्या ज्यादा रहती है। कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा गया है जिनके सिटिंग टाइम ज्यादा है, बैठे रहने का काम ज्यादा है, तो उनको भी गैस ज्यादा बनती है। गैस की समस्या में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट या मरीज है जिसके गैस बनती है, वो ना स्पाइसी फूड भी नहीं खाता है, ऑयली फूड भी नहीं खाता है, चाय भी ज्यादा नहीं पीता है या खाली पेट भी नहीं रहता है, तीन टाइम बराबर खाना खाता है, फिर भी अगर उसके पेट में अगर गैस बनती है तो उसका सोनोग्राफी या यूएसजी करवाते हैं एब्डोमेन का, तब पता चलता है कि उसके पित्त की थैली में पथरी है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उस वजह से भी गैस की समस्या रहती है। और दोस्तों, जिसके कब्ज की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको भी गैस की समस्या ज्यादा रहती है। जब दोस्तों गैस ज्यादा बनती है तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है, सांस भी ऐसे लगता है थोड़ा फूलता है। तो दोस्तों, मैंने जो भी सारे कारण बताए हैं ये इस वजह से गैस ज्यादा बनती है, गैस के ये सब कारण है, और अगर इसका आप परहेज करते हो, खाना टाइम पे खाते हो, तो दोस्तों गैस से आप 50% तक रिलीफ मिल सकता है। इस वजह से आपके गैस में कमी होती है और गैस की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हो। तो अब दोस्तों, मैं आपको गैस की समस्या को बिल्कुल खत्म करने के लिए आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिससे आपकी गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और गैस भी दोबारा नहीं बनेगी। दोस्तों, होम्योपैथी में पेशेंट को देख के उनके साइन एंड सिम्टम लेके उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है जिससे उसको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। दोस्तों, फिर भी कुछ मेडिसिन होती है जो बीमारी को ठीक करती है, आराम देती है, तो दोस्तों मैं उसके बारे में आपको गैस के बारे में पहली मेडिसिन बताऊंगा, नक्स ओमिका 30। तो दोस्तों, नक्स ओमिका 30 आप सुबह शाम अगर खाना खाने के बाद लेते हो तो आपकी गैस की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर गैस ज्यादा बनती हो तो आप दिन में 3 बार या 4 बार ले सकते हो। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों, पल्सेटिला 30। पल्सेटिला 30 भी आप दोस्तों सुबह शाम आपको 2 टाइम खाना खाने के बाद लेनी है। दोस्तों, अगर पेट में अगर गैस की समस्या, जैसे अपने नाभि होती है, नाभि के ऊपर की साइड में अगर गैस ज्यादा बनती है, यहाँ पे जैसे ज्यादा लगता हो, जैसे भारीपन ज्यादा है, यहाँ पे पेट में हल्का दर्द भी होता हो या नाभि के ऊपर गैस ज्यादा बनती हो, तो उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी दवाई है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30 दोस्तों आपको सुबह शाम
या ज्यादा तकलीफ हो तो दिन में 3 बार मेडिसिन लेनी होती है, जिससे आपकी जो नाभि के ऊपर जो ऐसे भारीपन या कुछ दर्द होता हो वो ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, अगर नाभि के नीचे अगर गैस बनती है, नाभि के नीचे या उसको लोअर एब्डोमन बोलते हैं, अगर उस जगह पे गैस ज्यादा बनती है, पेट फूल जाता है और हाथों में से सूजन आ जाती है और हल्का दर्द भी होता है, और कई बार दोस्तों गैस पास होती है, जब गैस पास होती है तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, आराम आता है, तो उसमें दोस्तों आपको लाइकोपोडियम 30 की मेडिसिन देनी है, लेनी है। लाइकोपोडियम 30 दोस्तों आप सुबह शाम 2 टाइम लेनी है, और अगर ज्यादा तकलीफ हो तो आप 3-4 बार भी ले सकते हो। और सबसे लास्ट में दोस्तों, जिसमें पूरे पेट में अगर गैस बन जाती है, पूरा पेट फूल जाता है, पूरा पेट ऐसे भारीपन महसूस होता है और ऐसे लगता है कि पेट अब फटने वाला है, फूल जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है और पीछे कमर में दर्द होने लग जाता है, पीठ में भी दर्द होने लगता है, तो उसमें दोस्तों आपको चाइना 200 की आपको दिन में 2 बार या 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेनी है दोस्तों, जिससे आपकी गैस की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, गैस के बारे में मैंने जो भी मेडिसिन बताई है, इस मेडिसिन लेने से आपकी गैस की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और जो भी मैंने कारण बताए हैं उन कारण का आप परहेज करोगे तो बिल्कुल गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।